धन्यवाद। बैठ जाओ, आप ही पूछो पहला सवाल। 95 तो 95 कर दो। चलो सर शुरू करें। सर आज जो आप लोगों का 18वां दिन हो चुका है और आज भी आपसे मिलने कोई नहीं आया प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपका ऐसे ही लगातार धरना चलता रहेगा? सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी जो न्यूज है, जो सैनिकों की जायज मांगे हैं आप उसको कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ले जाने का काम कर रहे हैं। और जितने भी मैं आपके दर्शक हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि कोई भी वीडियो आप लोगों तक पहुँचता है तो उसको एक दूसरे के पास में भेजें, जिससे ज्यादा से ज्यादा जवानों तक वो खबर चली जाए और जागरूक हो। मैडम आज 18वां दिन है, मेरे को तो आप देख रहे हो 18वें दिन ये हमारे 95 ईयर के जवान हमारे साथ में बैठे हैं, 95 ईयर के। तो थोड़ा मेरे को तो मीडिया कर्मी ही थोड़ा इनकी आंखों पे ही वो दिख रहा है कि आप थोड़े थके हुए लग रहे हो, हमारे में से तो थके हुए है नहीं। हमारा तो जॉब है सर, हम आप तो धरना करोगे जब मांग पूरी हो जाएगी चले जाओगे, हमारा तो जॉब है, हम नहीं थकते सर। हम भी नहीं थकते, हमारे साथ में आप देखो तो होली की थकावट है। हाँ बिल्कुल, 95 ईयर के जवान आप लोगों के साथ। सर आपको तो अपने घर पे अपने पोता पोतियों के साथ होना चाहिए था, लेकिन आप 94 ईयर्स में यहाँ आकर के बैठे हैं। वो बेटे इसलिए आना पड़ा है कि जो हमारे बेटियां हैं जिन्होंने अपने सुहाग को खोया हुआ है, उनकी बहाली के लिए हम ये मोर्चा संभाले हुए हैं। नहीं तो बैठ तो मैं भी सकता हूं, लेकिन आप हिसाब लगाइए, एक ऑफिसर है उसकी जो घरवाली है, जब अभी ऑफिसर इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसको 75 से 85 हजार तक रुपया मिल रहा है, और हमारी जो बेटियां अपने पतियों को खोती हैं उनको क्या मिल रहा है? कभी देश के बंधुओं ने सोचा है कि पत्रकार सोचते हैं कि एक वीर नारी आज सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपया ले रही है, तो आप बताइए कितना अंतर है इसमें? तो क्या ये आंदोलन वो किसान आंदोलन की तरह बनता जा रहा है जिसमें के जो बुजुर्गों का जो नंबर है वो बढ़ेगा आगे चल के? नहीं सर, ये किसान आंदोलन की तरह तो नहीं है, ये शांतिपूर्वक है और संविधान के दायरे में जायज मांगों के लिए वो भी शांतिपूर्वक था। पर इसमें हम सरकार से उम्मीद लगा के चलेंगे, जैसे सरकार से आपने देखा होगा आलोचना वो कोसों दूर है, जब समय आएगा तब तक कोई आलोचना नहीं है। अभी भी हमारे को सरकार पे विश्वास, क्योंकि जो 75 सालों में जो एक दीवार बनाएगी सरकार और हमारे बीच में, जो जवान जैसे रिटायर्ड सैनिक उनके बीच में एक कंकर ईंट की पत्थर की दीवार बना दी, तो उनको पता ही नहीं कि सेना में जवान जेसीओ रैंक भी होता है। वो सरकार ये देखती है कि जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वही टैंक को जमीन पे नहीं कंधे पे रख के और दुश्मन के छक्के छुड़ाते हैं, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा 97% जवान जेसीओ हैं और उनके जायज मांगे संविधान के दायरे में आर्टिकल 14 यही कहता है समानता का अधिकार दो। आज 18वां दिन है, सरकार की तरफ से किसी ने आपसे बातचीत का कोई रास्ता खोलने की बात हुई है? नहीं, हमारे तरफ से तो सर दरवाजे खुले हुए हैं। वैसे आप बोलते हो कि सरकार की तरफ से आपसे किसी नहीं, सरकार की तरफ से अभी तक किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की है, पर हाँ राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े जो राजनीतिक पदों पे बैठे हैं जो विपक्ष है उनके फोन आ रहे हैं, पर हम अपने मन से उनको भी साफ संदेश दे रहे हैं। परमिशन से भी मना कर दिया जा रहा है और लगातार कल भी आप आए थे होली पे, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या लगता है कि अब आप आगे कंटिन्यू कर पाओगे? बिल्कुल कंटिन्यू तो होगा ये, और सरकार को हमने आप देखोगे आज 18वां दिन हम बड़े प्यार से शालीनता से इस आंदोलन को लेकर चल रहे हैं, अगर सरकार उस प्यार का कुछ अलग ही नाम देना चाहती तो वो लेने के लिए तैयार है। हमारे तो धरने का 18वां दिन है, क्या सेना के बड़े अधिकारियों द्वारा किसी तरीके का दबाव पड़ रहा है आप लोगों को ये धरना खत्म करने के लिए? ये बिल्कुल एक नंबर का सवाल पूछा है। मैं पत्रकार मुद्दों का फिर धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो रिटायर्ड है ना, जो रिटायर्ड है अधिकारी हैं वो बहुत सारे मंत्री भी हैं और बहुत सारे उच्च उच्च पदों पे भी बैठे हैं, मिनिस्ट्रियों में भी बैठे हैं, उनका बिल्कुल प्रेशर जा रहा है प्रशासन के ऊपर कि किसी भी तरह से इस आंदोलन को खत्म करवाओ। अभी बहुत सारे ट्विटर डालने लगे जो रिटायर्ड है, उनमें हलबल
एक हलचल मच गई कि जैसे ट्विटर किया है कि मोदी जी इस आंदोलन को तोड़ दो, पर मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ कुचल दो, तोड़ दो, पर हम कोई गुलाब के फूल नहीं है कि हमारे को तोड़ कर फेंक दिया, नहीं है संविधान के दायरे में। हाँ ये पोल पट्टी तो नहीं मैडम, जिसके दोनों हाथ नहीं है, जिस जवान के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, और जो चमचों के सारे पानी पी रहा है उसको पर मंथ 18,000 रुपये मिल रहे हैं, और जिसकी उंगली का नाखून कटा है सिर्फ उसको 2,72,000 रुपये मिल रहे हैं। हमारे बुजुर्ग ने जब आप भी बताया आपको जो विधवा पेंशन है, एक सैनिक ऑफिसर की विधवा की पेंशन 72,000 से ऊपर है प्लस डी लगा के, और एक जो सैनिक विधवाएं जो जवान जेसी और रैंक की विधवाएं हैं वो 11,000 से 15,000 के बीच में ले रही है। विधवाओं के अंदर में भी अंतर देखती है भारतीय सेना। बिल्कुल बिल्कुल, ये भारतीय सेना नहीं सर, ये जो नीतियां बनाई गई ना, जो नीतियां बनाई गई सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से जो नीतियां बनाई गई वो उनका दमन किया गया। अभी आप ये लगाओ जो वन रैंक वन पेंशन का सेकंड रिवीजन है जो माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे थे, और वन रैंक वन पेंशन से ही वर्तमान सरकार आई थी, क्योंकि 15 सितंबर 2013 को पहली रैली हुई थी रेवाड़ी में, आप लोगों को मालूम है, और उस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री आए थे गुजरात के, और वहां से प्रधानमंत्री के दावेदार में आए थे। वो प्योर रैली सैनिकों की थी और उसके अंदर 5 से 7 लाख पूरे सैनिक पूरे देश के आए थे, और वो उम्मीद लेके आए थे कि वन रैंक वन पेंशन मिलेगी। वन रैंक वन पेंशन दी सरकार ने, फर्स्ट वन रैंक वन में पेंशन में दिए 42,700 करोड़ रुपए, पर उसमें मिला क्या जवानों को 298 रुपए से लेके सिर्फ 1900 रुपए। ये जो जेसीओ रैंक है मेरे साथ में बैठी, ये भी जेसीओ रैंक है, ये भी जेसीओ रैंक है, 298 रुपए। सेकंड वन रैंक वन पेंशन 20 जनवरी को दी, उसके अंदर 23,000 करोड़ रुपया दिया, परमेश्वर को बाहर निकाल दिया, एक्स ग्रुप के 2 खाते कर दिए गए। उसके बाद में जो जेसीओ रैंक है, जो सेना की जो कहते हैं कि ये सेना की सेकंड कमांड है, गजेटेड ऑफिसर है, और सेना सेना उन्हीं के ऊपर चलती है, वो उस वन रैंक वन पेंशन से बाहर कर। एक बड़ा सवाल ये है कि जब 42,000 करोड़ पहली बार दिए गए और बाद में 23,000 करोड़ रुपए दिए गए, तो ऑलरेडी बजट घटा दिया गया ORP 2 में, उसकी तो बात आप करते नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, जो 5 साल का रिविजन है उसका बनता ही इतना है, और वो बनता कितना है वो जवानों के तो हक में आया ही नहीं। अभी इसी वन रैंक वन पेंशन में आप ये देखो कि आपको जो अमाउंट कम हुआ है, 2006 में एक जो नायक था उसकी थी 4,040 रुपये पेंशन, और एक लेफ्टिनेंट कर्नल की थी 14,600 रुपये, 14,600 से वो पेंशन बढ़ के 2023 के अंदर 95,000 प्लस डीए 1.5 लाख से ऊपर पहुंच गई, और वो जवान जो 4,040 रुपये ले रहा था आज भी वो कितनी ले रहा है, 20,000 रुपये। तो ये कोई जादू की छड़ी थी सरकार के पास में जो एक ही वर्ग के ऊपर घुमाई गई। जनरल बीके सिंह जो कि आपकी ही कम्युनिटी से आते हैं, वो उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की है? नहीं, जनरल साहब है, हम उनका धन्यवाद करते हैं, और हमारे भी जनरल साहब, हम तो इतना ही कह, उनको मालूम है क्योंकि वो बहुत बड़े पद से आए हैं रिटायर होकर, उनको मालूम है ये भेदभाव। आप कभी मौका मिले आपको मीडिया को अगर उनके सामने आए तो आप पूछना, वो भी बोलेंगे ये जायज है, ये जो मांगे जायज। वो तो सत्ताधारी पार्टी के सांसद है, उसके बावजूद भी वो आपकी बात वो प्रधानमंत्री तक नहीं रख रहे हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं रखेंगे, क्योंकि सर ये जो है ना ये बहुत बड़ा भेदभाव है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो खुद ऑफिसर हैं इस वजह से? हाँ, वो नहीं रखेंगे, कभी भी नहीं। उनकी नीयत में खोट है बेटा। आप कह रहे हो ऑफिसर्स की नीयत में खोट है? हाँ, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो आप। हाँ जी, ये बिल्कुल है, असली है, मैं कोई गलत आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आप हिसाब लगा लीजिए। अच्छा, आपके किसी डेलीगेट्स ने प्रयास किया है सरकार से वार्ता करने का? आपने किसी को भेजा अपने यहाँ से? सर, हमारे जो मांग पत्र डेली निकल रहे हैं सरकार के लिए कि सरकार हमारी बात को सुने, बैठ के सुने, और इसमें जो भी है ये सरकार के पाड़े में ये फुटबॉल, मैं आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ और आपकी मीडिया के द्वारा भी कहना चाहता हूँ, ये साइलेंट जो आंदोलन है ये जंतर मंतर पे, हम जंतर मंतर पे संख्या बढ़ाना ही नहीं चाहते, हम इतने ही रखने चाहते हैं 100, पर ये आंदोलन पूरे देश में जा चुका है, अभी पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट वाइज माननीय कलेक्टर को मांग पत्र दिए जा रहे हैं माननीय राष्ट्रपति के नाम, तो ये साइलेंट तो हुआ ही नहीं, और आने वाले समय में हो सकता कि बड़ी कॉल भी हो जाए, वो ऐसा भी हो कि भाई सरकार अगर हमारे को दबाव में यहाँ से उठाती है या प्रशासन उठाता है तो हमारे को बड़ी कॉल भी देनी पड़ सकती है, जेल भरो आंदोलन, संसद भवन, रामलीला मैदान की बहुत बात होती है। हाँ, संसद भवन घेराव या रामलीला ग्राउंड,
लाखों में रामलीला मैदान की तो लाखों तो सर लाखों क्या ही भरने के लिए यहाँ पे ये वृक्षोत्सव चला रहा है। आपको खालिस्तानी कहा जाएगा? आज किसको? आप लोगों को। हमारे को तो पता नहीं क्या क्या कहा जाएगा मैडम। कोई ये बोलेगा कि ये पाकिस्तान से फंडिंग है, श्रीलंका से फंडिंग आ रहे हैं, ये आतंकवादी है। हम सैनिक, हमारे पेट पे बेल्ट लगी है, कोई बाबाओं के भगत नहीं है। ये टायर फूंक दिए रोड के ऊपर, बिल्कुल हम शांतिपूर्वक लेके चलेंगे। एक सवाल आपसे उठता है, राजनीतिक दल आपको समर्थन करना चाहते हैं जो गैर और राजनीतिक दल है सत्तारूढ़ के अलावा, तो क्या आप लोग उनका समर्थन चाहते हैं? आप अपने मन से क्या संदेश देना चाहेंगे और राजनीतिक दलों को? हम राजनीतिक दलों को इतना संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने भी जो विपक्ष में बैठे हैं, उन्होंने जवानों की वोट लिए, तो वो जवानों की वोट लिए हैं तो वो जवानों की बात संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में रखे, पर मंच का हम प्रयोग नहीं करने देंगे। वैसे जंतर मंतर सबके लिए खुला है, किसी को धक्के मार नहीं सकते, कोई आएगा तो दरी पे बैठेगा, पर मंच और माइक हम नहीं देंगे, बिल्कुल ये क्लियर है, क्योंकि हम सरकार पे ही अभी हमारा विश्वास है। तो विपक्ष में अगर हम विपक्ष को लेके आते हैं तो फिर ये हो जाएगी, अभी तो हमारे को बोलेंगे फंडिंग आ रही, आपने मैडम ने बोला था आतंकवादी है, फलाना धक्कड़ है, फिर बोलेंगे नहीं ये कांग्रेस ने बैठाए हैं, या आम आदमी पार्टी ने बैठाए हैं, बीजेपी ने बैठाए हैं, या तृणमूल ने बैठाए हैं। नहीं सर, ये बिल्कुल सैनिक है, और ये जो आप लोगों के साथ में बैठे 95 साल के जवान हमारे, इनका 14 साल का संघर्ष है, और ऐसी चीजें हम 14 साल से सुनते भी आ रहे हैं और उनको महसूस भी कर रहे हैं। अच्छा, 18 दिन आपके धरने को हो गए और चंद कदमों की दूरी पर यहाँ पे संसद भवन है, अभी तक आपसे कोई वार्ता करने नहीं, तो आपको नहीं लग रहा था कि कहीं ना कहीं आपको निग्लेक्ट किया जा रहा है, आपके धरने को ही कमजोर किया जा रहा है कि आप बैठे रहो सरकार तो आपसे बात नहीं करेगी? ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये सोचे कि हमारे को नेगलेक्ट किया जा रहा है। दिन पर दिन हमारे हौसले बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अभी धीरे धीरे आप लोग जो छोटी मीडिया कहलाएंगे या हमारे सहयोगी कहलाएंगे, उन्होंने भी पूरे तरीके से हमारा सहयोग देना शुरू किया है। दूसरी चीज, नेगलेक्ट ऐसे नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर चारों तरफ से हमारे पूर्व सैनिक, समाज के अच्छे व्यक्ति, और हम मैं तो ये कहूँगा हिंदुस्तान के जन जन से हमारे को सहयोग है। और रही सांसदों की बात, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया था कि सांसदों मंत्रियों को आप इधर बुला के उससे उनसे क्या सहयोग ले सकते हो, उनका सहयोग एक ही है। मैं तो उनसे ये एक अरदास करूँगा कि उनका सहयोग करने का स्थान संसद भवन है, उधर बात रखो, ठोस तरीके से रखो, जैसे एक सोल्जर अपनी छाती अड़ाता है किसी भी मैदान के अंदर, इस तरह से एक सांसद ने भी कड़ा रुख करके और पक्का इरादा करके ये पॉइंट उठाओ सैनिकों का। मैं बोलता हूँ सरकार क्या, परमात्मा भी झुक के आएगा नीचे, क्योंकि असलियत के अंदर दम होता है और सच्चाई की जीत होती है, बुराई की हमेशा हार होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे एक सवाल है। ये 2024 में लोकसभा चुनाव है प्रधानमंत्री जी के, आपका आंदोलन अगर लंबा चला, नहीं सुनवाई होती सरकार की तरफ से, तो क्या वोट की चोट भी लगेगी क्या? सर मैं आप लोगों को अपने राजनीति सवाल पूछा तो मैं राजनीति से बाजूंगा नहीं सवाल जवाब देने से। हमारा जो सैनिक है उनके 28 लाख पूर्व सैनिक है, 50 लाख के करीब ऑन ड्यूटी है, और 5 करोड़ के करीब हमारी वोट है, और 140 सीटों को हम सीधा प्रभावित करते हैं। अगर हम हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, पंजाब की बात करें तो यह बहुत बड़ा लेवल है। आपके सैनिक ही है उत्तर भारत में पूरे के पूरे में, तो 140 सीटों को सीधा प्रभावित करते हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि सैनिक क्या करेंगे, जब सैनिक अपनी पासबुक, बैंक की पासबुक को उठाएंगे और उसमें कुछ नहीं मिल रहा, सैनिक विधवाओं को नहीं मिल रहा, तो सर वो तो उनके ऊपर है निर्णय, तो वो लेंगे क्या करना क्या नहीं करना। पर ये है कि हमने 5 करोड़ वोट दिए हैं, 2014 में भी दिए हैं, 2019 में भी दिए, पर फिर भी ऐसा क्यों है? तो हमारी उम्मीद अभी जुड़ी हुई है, और आगे आने वाले समय में कभी भी कोई बड़ी रैली होगी तो उसका सबसे पहले निमंत्रण पत्र माननीय प्रधानमंत्री को। जैसे कपिल जी ने कहा कि भाई वोट की चोट से सरकार का नुकसान कर दोगे, लेकिन विपक्ष भी तो आपके साथ नहीं है, तो अगर दूसरे की सरकार बना दोगे आपका तो फायदा होगा नहीं, मांग तो वहीं की वहीं है, दूसरी की सरकार बन जाएगी तो आपका क्या फायदा होगा? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। सर हमारा फायदा क्या होगा इसमें? ये नहीं कि हमारा फायदा नहीं होगा, हमारी जायज मांग है गवर्नमेंट को सुननी ही पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। गवर्नमेंट नहीं, अगर गवर्नमेंट को हरा देंगे वोट की चोट से तो गवर्नमेंट का नुकसान नहीं, हमने हराने के लिए कहा नहीं अभी तक, हमने हराने के लिए कहा नहीं, गवर्नमेंट हमारी है, सर एक आखिरी सवाल उठता है। 2024 इलेक्शन से पहले 7 राज्यों का चुनाव है, इसमें मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी और तमाम जगह है,
तो क्या आपके इस आंदोलन का प्रभाव वहां देखने को मिलेगा सर? ये अगर आपकी बातें मांगी नहीं जाती है तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि सर मैंने बताया ना कि ये साइलेंट आंदोलन जंतर मंतर पे, पर ये साइलेंट आंदोलन नहीं है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में रोड मार्च निकाले जा रहे हैं, मीटिंगें की जा रही हैं और बड़े लेवल पे की जा रही है। अगर 7 राज्यों में भी चुनाव है तो वहां भी हो रहे क्या? पूरा का पूरा मीडिया सर एक माहौल बना हुआ है कि जो मोदी विरोधी वो देश विरोधी, जैसे किसान आंदोलन में भी उनको यही सब चीज बोले थे, आप भी ऐसी जा रहे, क्योंकि आजकल एक माहौल है कि जो मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उनको यही कहा जाता है, या तो विपक्ष की चाल है या फिर ये भैया देश विरोधी है। सर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम भी 2014 में वोट दिए हैं, 2019 में भी दिए हैं। अगर आप जो अंधभक्त बोलते तो हम भी उन्हीं में शामिल है, और आज भी हमारे कुछ पार्टी पे विश्वास है कि हमारी वो मांगे पूरी करेगी कि ये चीजें जाएंगी। सर आपके घर परिवार की जैसे बहुएं हैं, महिलाएं हैं और बच्चे हैं, वो मना नहीं करते आप लोगों को यहाँ आने के लिए? नहीं, वो तो खुद आना चाहती हैं। जब हम कहेंगे, जब अब की बार जैसे बहुत सारी जगह ऐसे हैं जैसे सैनिक दुआएं आप लोगों ने देखा होगा 20 फरवरी को, पर कभी ऐसा मौका लगा कि रामलीला ग्राउंड का, तो आप देखोगे वहां पे 3-4 दिन पहले तो टेंट लगने शुरू हो जाएंगे, खाना बनना शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ी समाज है सैनिक समाज, और अपने बलबूते की अपनी मांगों को लेके चल रहा है। मैं सबसे बड़ा ये है कि सर सैनिकों की विधवाएं भी आएंगी रामलीला मैदान में? आपकी क्यों नहीं आएंगी? आप कहते हो तो उनको ही दे दे मंच, उनको कल बुला देते हैं, ऐसा नहीं है? बिल्कुल दिखना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ नहीं है क्या कि घर परिवार बच्चे सब साथ हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, घर परिवार सपोर्ट है। हाँ बिल्कुल सर, एक नारे लगा अभी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे भारत सैनिक एकता।